हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट है या फिर आपका अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोला गया है, तो यार आप ये क्रेडिट कार्ड को जरूर जानते होंगे, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स को दोस्तों यही डेबिट कार्ड दिया जाता है अगर वो डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली मैं इस वीडियो में इस डेबिट कार्ड के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि ये जो डेबिट कार्ड है ये आपके नॉर्मल बैंक्स के जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनमें जो आपको डेबिट कार्ड्स दी जाती है उससे एकदम हट के है। आपको ये भी मीन्स प्राइवेट बैंक हुआ या फिर गवर्नमेंट बैंक हुआ, हर जगह पर आप अगर जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलते हैं तो आपको यही डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आखिर अलग कुछ है क्या दोस्तों? उसी के साथ साथ दोस्तों आपको हर एक बैंक में ये सेम टाइप का, आप इसका कलर देखें दोस्तों, ये येलो टाइप का, येलो ऑरेंज टाइप का कलर होता है, आपको यही कलर का कार्ड देखने को मिलेगा सेम डिट्टो इसी तरीका से। आखिर इसका राज क्या है, आखिर इस कार्ड में ऐसी यूनिकनेस क्यों है दोस्तों? ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं आशा हूं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप बेसिकली इस कार्ड को ध्यान से देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो दोस्तों बेसिकली इस कार्ड का जो वेरिएंट है उसे PMJDY डेबिट कार्ड बोलते हैं, या फिर आप इसे एक वेरिएंट भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना डेबिट कार्ड। तो दोस्तों बेसिकली ये डेबिट कार्ड उन कस्टमर्स को दिया जाता है जिन लोगों का जीरो अकाउंट खोला जाता है, जीरो बैलेंस अकाउंट। तो दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट वाले को ही ऐसा कार्ड क्यों मिलता है? तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ जीरो बैलेंस के अकाउंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि पहले ये अकाउंट्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, ना ही उतने खोले जाते थे, लेकिन अभी के टाइम में क्यों खोला जा रहा था दोस्तों? इसका रीज़न ये है कि जब प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू किया तो उसका मीन्स क्या था कि अगर आप किसी बैंक में जाकर जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसिकली स्कीम यही था। इससे क्या होगा कि मोस्टली लोगों के, जो लोग मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते थे, उनके बैंक अकाउंट्स खुल जाए। तो दोस्तों उसी के साथ गवर्नमेंट का ये एम था कि आपको एक बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों डेबिट कार्ड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी में। हालांकि चेक का आपको उतना झमेला नहीं देखते हो, क्योंकि चेक पर चार्जेस कम रहते हैं, आपका हर साल में एक चेक इशुएंस चेक जो होता है, इशूज होता है, वो फ्री होता है दोस्तों, आप किसी बैंक में जाकर देख लें। लेकिन दोस्तों डेबिट कार्ड में नहीं होता, यहाँ पर चार्जेस अप्लाई होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने इस अकाउंट के साथ, जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ अपना एक डेबिट कार्ड भी निकाला जिसे PMJDY डेबिट कार्ड बोलते हैं, जो कि है ये। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास ये एक स्टेट बैंक का भी डेबिट कार्ड है दोस्तों। ये आप नॉर्मल डेबिट कार्ड देख सकते हैं, एक नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड है SBI का। तो आप देख सकते हैं कि ये SBI ने अपने हिसाब से बनाया है। आप किसी बैंक में जाइए आपको वैसा क्रेडिट डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं किसी भी अकाउंट में, अगर आप SBI में भी खोलें, तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखकर सेम यही कार्ड मिल जाएगा। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देकर। अगर मान लीजिए कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट है या फिर एक प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट है दोस्तों, दोनों में ही एडुकेशन दी जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स के बुक्स देखें, बुक्स या नोटबुक्स देखें, तो आपको वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा हर एक स्कूल में। लेकिन अगर यही अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में देखें, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं, तो आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का लेकर देखते हैं कि जितने भी स्कूल है टेंथ क्लास का या फिर उसके नीचे क्लास का, तो आपको सारे के बुक्स, नोटबुक्स सब कुछ सिमिलर ही मिले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कर रहा है हर एक स्कूल में। तो दोस्तों यहाँ पर मेन क्या होता है कि जो सोर्स है वो एक है दोस्तों। यही हाल आपका डेबिट कार्ड में भी हो रहा है, इस या फिर इस बोल सकते इस अकाउंट में भी हो रहा है, कि जो आपका अकाउंट मेंटेनेंस है वो गवर्नमेंट ही कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों इस अकाउंट का जितना भी मीन्स कार्ड है वो हर बैंक के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, आपका बैंक बस अकाउंट खोल रहा है। मेन जो उसका मेंटेनेंस का काम है, उस पर जो भी लेना देना है, वो सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है दोस्तों। यही रीज़न है कि आपको यार ये सेम वेरिएंट का कार्ड देखने को मिलता है। उसके साथ दोस्तों आपको इस कार्ड पर ₹1 चार्ज नहीं देना पड़ता। मैं इस कार्ड को लगभग 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। इस कार्ड को दोस्तों यहाँ पर आप इशूएंस डेट देख सकते हैं 8/2018, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देख लीजिए 8/2018 लिखा हुआ है, मतलब लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, अगस्त में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली मैंने अभी तक इसकी इशूएंस चार्ज नहीं दिया और 2 साल में एक बार भी इसका मीन्स पैसा कुछ एनुअल चार्ज नहीं कटा है। तो दोस्तों इससे क्या मालूम चल रहा है कि इस कार्ड की आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। हालांकि मैंने देखा है कई बैंक्स हैं जो कि चार्ज करते हैं कस्टमर्स को, लेकिन
ये चार्ज नहीं हो, हो सकता है उस बैंक का कुछ अलग अपना पॉलिसी हो इसलिए वो चार्ज कर रहा है, लेकिन मैंने सेंट्रल बैंक में खुलाया मुझे कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। तो दोस्तों यही था इस कार्ड के बारे में कुछ कि आपको मीन्स कई लोग सोचते थे कि यार ये सेम टाइप का कार्ड हर एक बैंक में कैसे देखने को मिल सकते हो। दोस्तों बेसिकली यही बात है कि इसका एक सोर्स एक है, मेंटेनेंस का जो सोर्स है वो एक ही है। उसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको डिफरेंस तो बताया कि प्राइवेट स्कूल और ये गवर्नमेंट स्कूल वाला, तो दोस्तों इसमें और एक चीज़ रहती है कि प्राइवेट स्कूल की जो क्लास होती है वो गवर्नमेंट स्कूल ऐसी नहीं होती, हालांकि अभी हो रही है, लेकिन दोस्तों एक टाइम था जब आपको प्राइवेट स्कूल में जो फैसिलिटी या फिर जो थोड़ा आप समझ सकते हैं दोनों को जज करके, तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आपको गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिलता है। वही चीज़ है दोस्तों इस कार्ड के बारे में भी। इस कार्ड में दोस्तों पेमेंट अटकता है, बहुत ज़्यादा नहीं अटकता, लेकिन अगर आप 10-15 पेमेंट करें या बहुत ज़्यादा पेमेंट करते हैं इस कार्ड से तो आपका एक दो पेमेंट अटकने का चांसेस है, और अगर पेमेंट अटकेगा तो मिनिमम 10 डेज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इस कार्ड की जो मेंटेनेंस सर्विस है वो उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि यार गवर्नमेंट जब इसे मेंटेन कर रहा है फ्री में तो ये सब चीज़ झेलना तो जाहिर सी बात है। तो दोस्तों बेसिकली यही एक वीडियो था इस कार्ड के बारे में कि यार ये कार्ड में ऐसी यूनिकनेस क्या है, सबसे हट के क्यों है, हटने का यही रीज़न है कि यार ये गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया हुआ कार्ड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ दोस्तों अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपना अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।